नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनास्ट्रोजोल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एनास्ट्रोजोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एनास्ट्रोजोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एनास्ट्रोजोल टैबलेट का उपयोग मेनोपॉज के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर के इलाज में किया जाता है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कम करती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अधिक होने पर कैंसर हो सकता है, इसलिए हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर के इलाज में एनास्ट्रोजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एनास्ट्रोजोल एक सॉल्ट नेम है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट को अल्ट्राज, एनाब्रेज, फेमिट्राज और अरिमिडेक्स आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट 1 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी होना, शरीर के जोड़ों व हड्डियों में दर्द होना, गले में खराश व सूजन होना, ब्लड प्रेशर अधिक होना, डिप्रेशन होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, नींद न आना, सिर दर्द होना, कमर में दर्द होना, अचानक से चेहरे, गले और सीने में तीव्र गर्माहट अनुभव होना, चेहरे का लाल होना और हाथों व पैरों में सूजन होना आदि साइड इफेक्ट्स एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनास्ट्रोजोल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। एनास्ट्रोजोल टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रिकमेंडेड होता है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एनास्ट्रोजोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनास्ट्रोजोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एनास्ट्रोजोल टैबलेट शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। शरीर की हड्डियां कमजोर होने की वजह से हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस होने से रोकने के लिए डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बिस्फोस्फोनेट्स ड्रग क्लास की दवाइयां लेने की सलाह दे सकता है। एनास्ट्रोजोल टैबलेट की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक हो सकता है, इसलिए आपका डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करने के लिए समय समय पर कोलेस्ट्रॉल की जाँच यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एनास्ट्रोजोल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एनास्ट्रोजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एनास्ट्रोजोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एनास्ट्रोजोल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एनास्ट्रोजोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।